व्हाट इज अप एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है किशोर और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे ब्लैकबियर्ड और लूफी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। दोनों का एम्बिशन है पायरेट किंग बनना, पर कैसे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट हैं। जहां पर ब्लैकबियर्ड हमारे कंप्लीट राइवल है लूफी का, जो क्लेम करता है कि वो बनना चाहता है पायरेट किंग। ओडा ने जिस तरीके से इस कैरेक्टर को लिखा है, मार्शल डी टीच या मैं कहूँ ब्लैक बियर्ड को, ये एकदम ऐसा समझ लो कि एंटैगनिस्ट है इस सीरीज का, या फिर मैं कहूँ लूफी का एक कंप्लीट राइवल, लूफी का बिल्कुल आर्क एनिमी। हमने स्काइपिया वाले आर्क में देखा था कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना एम्बिशन शेयर करते हैं कि दे बोथ वॉन्ट टू बिकम पायरेट किंग। ये दोनों ही एक ही ड्रीम को पाना चाहते हैं, वो है बनना पायरेट किंग, पर दोनों के तरीके बहुत ही ज्यादा अलग हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ओडा ने इस कैरेक्टर को लूफी के कंप्लीट अपोजिट लिखा है, जहाँ पे लूफी सेल्फलेस है, इंपल्सिव है, रेकलेस है, बट वहीं पर मार्शल डी टीच यानी कि ब्लैक बियर्ड उसका कंप्लीट अपोजिट है। वो बहुत ही चालाक है, चतुर है और बहुत ही ज्यादा सोच समझ के उसके स्टेप्स को आगे बढ़ाता है। पर एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आप लोगों ने अभी तक जो लूफी की जर्नी देखी है, ब्लैकबियर्ड की जर्नी उसके कंप्लीट अपोजिट है। जहां पर अगर लूफी कुछ करता है तो ब्लैकबियर्ड की जर्नी पे असर पड़ता है, वहीं अगर ब्लैकबियर्ड कुछ करता है तो लूफी की जर्नी पे असर पड़ता है। जैसे कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर थ्योरी में हम थोड़े से आगे और बढ़ेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि लूफी की जर्नी कैसे शुरू होती है। लूफी की जर्नी तब शुरू होती है जब उसका फ्रेंड शैंक्स या मैं कहूँ एक योंको से वो एक डेविल फ्रूट पाता है और उसके साथ एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप बना लेता है। वहीं ब्लैकबियर्ड की जर्नी इसके कंप्लीट अपोजिट शुरू होती है, जहाँ पर उसको भी एक डेविल फ्रूट मिलता है, लेकिन इस डेविल फ्रूट के चक्कर में उसके सारे रिलेशन उसके योंको फ्रेंड के साथ टूट जाते हैं। जहाँ पर लूफी एक योंको फ्रेंड बनाता है, वहीं ब्लैकबियर्ड योंको एनिमी बनाता है। जहाँ पे लूफी ग्रैंड लाइन में इसलिए घुसता है ताकि वो जिस आदमी को अपने गॉडफादर मानता है उसको जाकर के फिर से मिल सके, सैंग से। वहीं पर ब्लैकबियर्ड ग्रैंड लाइन में इसलिए घुसता है ताकि उसके योंको फ्रेंड के सबॉर्डिनेट से भाग सके। ब्लैकबियर्ड बैनिश कर देता है वपुल को फ्रॉम ड्रम किंगडम और उसको छोड़ देता है एक किंगडम जिसके पास कोई किंग नहीं है। वहीं पर जब लूफी आता है तो वो ड्रम किंगडम को एक नया किंगडम बना के चल जाता है विथ अ किंग। लूफी की जर्नी के फर्स्ट हाफ में वो बहुत सारे सेवन वार्डल ऑफ द सी को हरा देता है एंड सेवन वार्डल ऑफ द सी के नंबर्स को कम करता जाता है। वहीं पर ब्लैकबियर्ड एक सेवन वार्डल ऑफ द सी खुद बनना चाहता है, जहां पर लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देता है, वहीं पर ब्लैकबियर्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेता है। लूफी इम्पेल डाउन में घुसता है उसके ब्रदर को रेस्क्यू करने के लिए, बट वहीं पर ब्लैकबियर्ड इम्पेल डाउन में घुसता है उसके कुछ नए फ्रेंड्स को बनाने के लिए और उसके नए क्रू मेंबर्स को रिक्रूट करने के लिए। जहां पर लूफी मैगलांस के पॉइजन से बचने के लिए अपने अस्टॉनिशिंग विल का यूज करता है, वहीं पर ब्लैकबियर्ड एंटीडोट का यूज करता है। जहाँ पे लूफी इम्पेल डाउन से बाहर निकलता है मैगलॉन के हाथों से बहुत ही जरा सा बच के, वहीं पर ब्लैकबियर्ड उसको पूरी तरीके से हरा देता है। जहाँ पे लूफी की विल मरीनफोर्ड वाले आर्क में पूरी तरीके से टूट जाती है जब उसका भाई मर जाता है, वहीं पर ब्लैकबियर्ड एक नई विल को जन्म दे देता है कि वो अब बनना चाहता है किंग ऑफ द पायरेट, और ऐसा वैसा नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ऑफ द पायरेट। लूफी जहां पर मेरे मेरे नोमी को पाना चाहता है ताकि वो उसके ब्रदर की लेगेसी को बचा सके, वहीं पर ब्लैकबियर्ड इस मेरे मेरे नोमी को इसलिए पाना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और साथ ही साथ वो खुद भी एस की लेगेसी को बचा सके। अब लेगेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। दरअसल लेगेसी वाला कॉन्सेप्ट एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को समझना चाहिए वन पीस के वर्ल्ड में, कि कैसे एक डेविल फ्रूट उसके यूजर्स की लेगेसी को भी अपने साथ लेकर के चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि व्हाइट बियर्ड के मरने के बाद ब्लैकबियर्ड व्हाइट बियर्ड्स के जितने भी बचे हुए लोग रहते हैं उनको कैप्चर करके और उनको अटैक करके अपने क्रू में शामिल करना चाहता है। वहीं पर लूफी उसका बिल्कुल अपोजिट करता है और वो उनसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। एवरी चीज जो ये लोग करते हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट है। जहाँ पे ब्लैकबियर्ड अगर कुछ करता है तो लूफी उसका बिल्कुल अपोजिट करेगा, और वहीं लूफी अगर कुछ करता है तो ब्लैकबियर्ड बिल्कुल ही उसका अपोजिट करेगा। और जो भी जर्नी में ये लोग करते हैं वो दरअसल दूसरे की जर्नी में इफेक्ट डालता है। मान लो अगर ब्लैकबियर्ड कुछ करता है तो लूफी की जर्नी में भी असर पड़ता है। जैसे कि ड्रम किंगडम में जब ब्लैकबियर्ड आता है और वहां के किंग को हटा देता है
और उसको बिना किंग का एक नेशन को छोड़ करके चला जाता है, जब वहाँ पर लूफी आता है तो उसके लिए एक नया रास्ता खुल जाता है चॉपर को रिक्रूट करने के लिए। जब लूफी क्रोकोडाइल को डिफीट करता है और उसके बाद सेवन वॉरलॉर्ड ऑफ द सी में एक सीट कम हो जाती है, ब्लैक बियर्ड के लिए रास्ता खुल जाता है वॉरलॉर्ड ऑफ द सी बनने का। लूफी इंपेल डाउन में घुसता है ताकि वो उसके ब्रदर को रेस्क्यू कर सके, वहीं पर ब्लैक बियर्ड इंपेल डाउन में सिर्फ इसीलिए घुसता है ताकि वो नए क्रू मेंबर्स को रिक्रूट कर सके लेवल 6 से। और यही चीज वन पीस के सेकंड हाफ में भी कंटिन्यू होती है। लूफी जो कांड करता है पंख हैजार्ड में, इससे डॉल्फेमिंगो एक टूर्नामेंट चालू कर देता है मेरा मेरा नोमी के लिए। वहीं पर ब्लैक बियर्ड जेसियस बर्गरेस को वहां पर भेजता है ताकि वो उस फ्रूट को ऑब्टेन कर सके, साथ ही साथ वो रिवोल्यूशनरी आर्मी को अभी अपना एनिमी बना लेता है। वहीं पर लूफी रिवोल्यूशनरी आर्मी को अपना फ्रेंड्स बना लेता है, जहां पे उसको पता चलता है कि उसका एक भाई भी रिवोल्यूशनरी आर्मी का सेकंड इन कमांड है। वहीं पे अगर बात करें कि ये दोनों योंको कैसे बनते हैं, तो ये भी एक दूसरे के बिल्कुल कम्प्लीटली अपोजिट है, जहां पर ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड के रिमेनेंट्स को हरा करके और एक कमजोर एक पहले से बुड्ढे हो चुके आदमी को मार करके योंको बनता है। वहीं पर लूफी एक फुल पावर योंको से टक्कर लेने के बाद योंको बनता है। जब वो बिग मॉम के साथ लड़ाई करता है उसके बाद वो बन जाता है फिफ्थ एम्परर। एवरी स्टेप जो ये दोनों लेते हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल कम्प्लीटली अपोजिट है, जहाँ पर ब्लैक बियर्ड पुराने जनरेशन के डेविल फ्रूट को कलेक्ट कर रहा है और उनके लोगों को कलेक्ट कर रहा है, वहीं पर लूफी नए जनरेशन के लोगों को कलेक्ट कर रहा है और उनको अपना फ्रेंड बना रहा है। सो अब क्वेश्चन उठता है कि आगे जाकर के आगे होगा क्या, जब ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीट अपोजिट है, तो जाहिर सी बात हम इतना समझ सकते हैं कि आगे जाकर के एक दूसरे से लड़ेंगे और ये लड़ेंगे सिर्फ ये बनने के लिए कि हु इज गोइंग टू बिकम द पायरेट किंग। सो अगर इन दोनों को पायरेट किंग बनना है तो इन लोगों को कुछ चीजों की जरूरत है। वो सबसे पहली चीज है रोड पॉनिगलर। अब क्योंकि ब्लैक बियर्ड एक योंको खुद तो बन चुका है और अब अपने ड्रीम को पाना चाहता है, सो उसको जरूरत है रोड पॉनिग्लिफ की। और जैसे कि आपको अभी के इवेंट से पता ही होगा कि बिग मॉम ऑलरेडी एनिमल किंगडम में आ चुकी है, सो टोटो आइलैंड में डिफेंस है और वहां की जितनी पावर है वो बेसिकली बहुत कम हो गई है, क्योंकि लूफी वहां पहले आया था और वहां पे पहले ही बहुत चीजों को तोड़ ताड़ के जा चुका है, वहां पे पहले ही बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को हरा चुका है और आधे से ज्यादा आर्मी उनकी इस वक्त में एनिमल किंगडम में है। सो हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड वहां पर आए और वहां पर आने के बाद वो लूफी ने जो करा था उसका बिल्कुल कंप्लीट अपोजिट करे। जैसे कि आपको पता है कि लूफी आया था वहां पे अपने क्रू मेंबर को बचाने के लिए, पर यहां पर ब्लैक बियर्ड आएगा किसी को किडनैप करने के लिए और वो है पुडिंग। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा पुडिंग ही क्यों, और भी तो कैरेक्टर्स हैं जिनको ब्लैक बियर्ड अच्छे से किडनैप कर सकता है क्योंकि वो कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे कि हमको पता है कि रूट पॉनिग्लिफ आप नहीं पढ़ सकते अगर आपको एशियन लैंग्वेज के बारे में नॉलेज ना हो या फिर आपके पास वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स ना हो। हमने स्टोरी में देखा है कि थ्री आईड रेस के जो लोग होते हैं उनके पास एक स्पेशल एबिलिटीज होती है कि वो वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स को सुन सकते हैं। हमने ये भी जाना है कि पुडिंग के पास ये एबिलिटी अभी तक अवेकन नहीं हुई है, पर लूफी के आने के बाद से जो जो इवेंट्स हुए हैं पुडिंग के साथ, हो सकता है इसके बाद उसकी एबिलिटी अवेकन हो जाए। अब क्योंकि लूफी के पास रॉबिन तो है जो कि एज अ फ्रेंड उसको सारी डिटेल्स दे सकती है जो कि उसको पायरेट किंग बनने के लिए चाहिए रूट पॉनिग्लिफ से, वहीं पर ब्लैक बियर्ड के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, सो बेसिकली वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करेगा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स ही क्यों, दरअसल अगर आपको रूट पॉनिग्लिफ को पढ़ना है तो या तो आप वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स का यूज कर सकते हो क्योंकि वो आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देगी उसके अंदर की, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसको कि एशियन लैंग्वेज को पढ़ना आता है जैसे कि रॉबिन। अब हमको इतना तो पता है कि पूरी सीरीज में एक ही कैरेक्टर है जिसको कि एशियन लैंग्वेज को पढ़ना आता है, वो है रॉबिन। वहीं पर वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स के लिए हमको भी पता है कि एक ही कैरेक्टर है इस वक्त में जिसकी एबिलिटी अभी तक अवेकन नहीं हुई है, वो है पुडिंग। तो जाहिर सी बात है ब्लैक बियर्ड पुडिंग को किडनैप करेगा और उसकी किडनैपिंग के बाद वो उससे सारे के सारे रूट पॉनिग्लिफ पढ़वाएगा जब तक कि उसकी एबिलिटी अवेकन नहीं हो जाती, और इस तरह से दोनों लूफी और ब्लैक बियर्ड पायरेट किंग बनने के बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे। सो आई होप तुम लोगों को ये थ्योरी पसंद आई होगी। ये थ्योरी का क्रेडिट जाता है थ्रेस्टर को, सो आई होप तुम लोगों ने इस थ्योरी को एंजॉय करा होगा। अब मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।